औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर 3 सागौर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या पुरानी है, लेकिन बढ़ते यातायात के बीच में यह मवेशी कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बनते नजर आ रहे हैं। कई पशुपालक ऐसे हैं जो अपने मवेशियों को खुले में सड़क पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद मवेशी सड़क पर रात दिन बैठे रहते हैं, जिसमें राहगीरों को आने जाने में तकलीफ होती है, जिससे कई बार सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिस तरफ ना तो नगर पालिका और ना ही कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है। रहवासियों ने बताया कि कई बार मवेशियों को गौशाला में छोड़े जाने के बाद भी कुछ दिनों बाद वापस से मवेशी रोड पर ही दिखते हैं, फिर रहवासी परेशान होने लगते हैं। वहीं समाज सेवी विजय चौहान ने नगर पालिका से निवेदन किया है कि जो भी पशुपालक अपनी गायों को खुला छोड़ते हैं, उन पर दंडनीय कार्यवाही की जाए, जिससे आने वाले दिनों में गायों की भी सुरक्षा हो और लोगों की भी जान जोखिम में ना आए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। समस्या आ रही है, गायों बहुत आवारा घूम रही है पूरे सागर में, पूरे नगर पालिका में काफ़ी दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, काफ़ी दुर्घटना होती रहती है और बाजार के दिन भी घुस जाती है। बाजार में तो माता बहनों को काफ़ी दिक्कत की परेशानी उठाना पड़ती है। आपका नगर पालिका से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिनकी भी गाय है वो ध्यान नहीं देते हैं। विजय चौहान सागर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।